मैं जानती हूँ तुमने आज ऐसा क्यों किया। तुमने अभी भी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया ना कि मेरा एक्सीडेंट तुमसे हुआ था। मुझे लगता है मुझे एक बार तुम्हारे पापा से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चों की गलती अगर सही समय पर नहीं सुधारी जाए तो वही गलती आदत बन जाती है। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम्हारी ये छोटी सी गलती तुम्हारी जिंदगी भर की आदत बन जाए, क्योंकि इतना तो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम दिल की बुरी नहीं हो। नहीं तो मनन की चूक का इतना ख्याल क्यों रखती। तुम दिल से बहुत साफ हो, बिल्कुल मेरी गुनगुन की तरह। जब मैं अपनी गुनगुन से पहली बार मिली थी तब वो भी कुछ कुछ तुम्हारी तरह ही थी, एक राजकुमारी। पर सही गाइडेंस से मेरी गुनगुन सही और गलत में फर्क करना समझ गई। और फिर दुनिया की बेस्ट बेटी बन गई। मुझे भी एक बार तुम्हारे पापा से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि मेरी गुनगुन तो मुझे सही टाइम पर मिल गई थी, इसलिए तो मैंने समझा सिखा पाई थी। बच्चे ना कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, सही उम्र में हम इन्हें जिस भी आकार में डालना चाहे डाल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। वापस नहीं आ सकती। नो, हमें छोड़ के जाने का डिसीजन उसका था। उसके बाद जो पापा के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वो सिर्फ हम जानते हैं। मेरी लाइफ में मेरी मम्मा बन के आई थी ना, तो क्या तुम मेरी यशोदा माँ हो? माँ अपने संतान को जन्म देती है, पर आपके प्रेम ने हमारी अंदर की माँ को जन्म दिया। कभी ना छोड़ के जाने का वादा भी किया था। मेरी मम्मा तो मुझे छोड़ के चली गई, अब क्या तुम भी चली जाओगी? हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे गुनगुन। पर अब झूठी थी, अरे माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती है, पर आप तो मुझे ही छोड़ के चली गई।